जनरल इंटरव्यू क्वेश्चंस की सीरीज बहुत इस तरीके से चल रही है। मुझे पता है आप लोग आते हैं, देखते हैं और आप उसी तरीके से प्रिपेयर भी करने लगे हैं, ताकि झटपट आपका जो इतने सालों से या महीनों से सिलेक्शन नहीं हो रहा था, कहीं से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था, अब आपको जवाब भी आने शुरू हो गए होंगे। ध्यान से देखना इस पूरी की पूरी सीरीज को, इसमें बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस होंगे। कुछ बिहेवियरल क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग हैं, कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं, कुछ आपके सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आपको सबके तरीके पता लगेंगे किस तरीके से आपको इन सारे सवालों के जो है वो जवाब देने होते हैं, और जो जवाब आप देके आते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या उसमें गलतियां होती हैं जो आपको आज तक कोई भी समझाने वाला नहीं था। और आपको भी ये बात पता है कि आपको कोई भी इस तरह से वीडियो सेशंस के थ्रू ये चीज नहीं बताता है, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ हर सवाल का जवाब, क्या गलत और क्या सही हो सकता है, आपने कहाँ कहाँ गलतियां की हैं, आपको ये भी पता लग रहा होगा। आपको बड़ा मजा भी आ रहा होगा इन वीडियोस को देखने में, क्योंकि इनमें बहुत सारे ऐसे सवाल के जवाब छुपे हुए हैं जो आज तक आपको नहीं किसी ने भी दिए हैं, और मैं आपको वो सवालों के जवाब दूंगी आने वाले और सेशंस में। तो इन वीडियोस को बहुत अच्छी तरीके से देखना है, और अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आओ मेरे साथ सेशंस में इंडल्ज हो, मुझे टॉपिक लिख के भेजो, मेरा फोन नंबर आपको पता ही है। देखो हमारे ये जो इंडस्ट्रीज है या जो कंपनीज है, वहाँ पे हम लोग जब भी नई नई पढ़ाई करके जाते हैं, इंटरव्यूज देते हैं, हमारे क्लियर नहीं हो पाते हैं, बहुत बड़ा गैप है इस चीज में, ये तो हम सबको पता है, हम अलग अलग यूट्यूब के वीडियो से पता लगा चुके हैं। लेकिन क्या आपने इस तरीके से इंटरव्यूज की पहले प्रिपरेशन की थी, जहां आपको कोई सामने से बता रहा है कि अगर आपने ये जवाब दिया है तो ये गलत है? क्या आपको ऐसे फीडबैक्स मिलते हैं? एचआर्स तो आपको बताते ही नहीं है, उनको भी ऐसा लगता है कि शायद हमारा सर दर्द है अगर हम किसी भी कैंडिडेट को ये तक लिखते हैं, ये तक थोड़ा समझा दें, ये दो लाइन से ज्यादा। क्या आपको आज तक ये पता लग पा रहा था कि किस तरीके से आप इंटरव्यूज में एक नंबर से रह जाते हैं, या क्या वो कारण है? एचआर्स ने तो आपको कभी बताया नहीं, चाहे वो सीनियर मैनेजर्स हो, आप हमेशा कंफ्यूज और गोल गोल ही घूमते रहे कि शायद मुझे कहीं से पता चल जाए कि ये जवाब क्या होते हैं, जिनसे इंटरव्यूज में सिलेक्ट हुआ जाता है और बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरियों को पाया जाता है। आज मेरा कोई एचआर दोस्त होता, या मैं ठीक है लिंक्डइन पे या फेसबुक पे किसी से दोस्ती करके नौकरी पालूंगा, या मैं ठीक है मेरा वो सोर्स है, वो सोर्स इस्तेमाल करके नौकरी पालूंगा, या मैं अपने दोस्त को जानता हूँ वो मेरी मदद कर देगा इस नौकरी में, या मेरा दोस्त का दोस्त वहाँ उस कंपनी में काम करता है जहाँ मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। लेकिन कभी भी मैंने ये नहीं सोचा, हाँ जी मैं आप ही से बात कर रही हूँ, कभी भी आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि बिना सोर्स, बिना रेफरेंस, बिना कभी किसी के सोर्सिंग के मैं भी जाऊँ और मैं सारे सवालों को इस तरीके से प्रिपेयर कर लूँ कि मुझसे बेहतर कोई जवाब ना दे पाए। अब देखना, होड़ लग जाएगी मेरे इस वीडियोज को देखने के बाद, क्योंकि आप सबके जवाब एक जैसे होने वाले हैं। तो देखो हमेशा याद रखना कि जिस भी वर्क से आप बिलोंग करते हो, जिस भी इंडस्ट्री से अगर आप फ्रेशर हो, तो आपको एग्जाम्पल्स उस हिसाब से थोड़े बहुत ट्वीक करके कस्टमाइज करने हैं। कस्टमाइज करना कभी मत भूलना। एक और जनरल क्वेश्चन देखते हैं। देखो बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज होते हैं, जैसे MBA एंट्रेंस का इंटरव्यू मान लो जहाँ पे आप जाते हो, जनरल नॉलेज का इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। अगर आप MBA एंट्रेंस के इंटरव्यू में जा रहे हैं, मान लेते हैं आपका रिटन क्लियर हो चुका है, GB भी क्लियर हो चुका है, आप पर्सनल इंटरव्यू में बैठ रहे हो, जिसको कि हम PI बोलते हैं। देखो अब आप चाहते हो कि आप किसी प्रीमियम कॉलेज का मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन क्रैक कर लो। अब अगर आपका गोल है कि आप किसी प्रीमियम कॉलेज या इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA कि एंट्रेंस में जो PI होता है या GD होता है वो आप क्लियर कर लो, तो मेरी पूरी की पूरी GD सीरीज और जो पर्सनल इंटरव्यू की सीरीज मैं अभी चला रही हूँ जरूर देखना। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, वो कहते हैं हम कन्फ्यूज्ड है मैम, हमें भी पता करना है कि किस तरीके से FMS में सिलेक्शन होता है, क्या क्या सवाल होते हैं जो पूछे जाते हैं। वो सवाल भी मैं आपको बताऊंगी, एक अलग से सीरीज मैं करूंगी जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ MBA के जो एंट्रेंस PI में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको मैं लूंगी। तो MBA एंट्रेंस के लिए जब भी आप किसी प्रीमियर कॉलेज में जा रहे हो, तो वहाँ पे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो। मैंने आप ही लोगों से बातचीत की और पता है आप क्या गलती करते हो, आप लोग आके मुझे बताते हो कि मैम हमने तो वहाँ पे बोल दिया जाके कि हम तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, टाइम वैसे ही नहीं था, मेरा इंटरव्यू बहुत देर में था, लास्ट में मेरा नंबर था, मैं गया और मुझे ऐसा लग रहा था पूरा का पूरा पैनल थक चुका था, क्योंकि मैम एक और सवाल मेरे पास आ जाता तो इससे बेटर ये मैं बोलूँ कि मैं न्यूज़पेपर नहीं देखता, ताकि उस चीज़ पे कोई और सवाल मुझसे ना पूछा जाए। और वैसे भी मैंने एक तो हफ्ते से न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ रखा है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत जवाब है, ऐसे जवाब नहीं देने हैं आपको इस सवाल के।
क्या आपको पता है कि आप में से कुछ लोग तो ये बोल देते हैं कि हम एक दो हफ्ते पहले तक न्यूज़पेपर पढ़ते थे, एक दो हफ्ते से हमने न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ रखा है। कुछ तो यही समझ नहीं पाते कि हम क्या बोले, हाँ बोले या ना बोले, क्योंकि तो पैनल में ये जो लोग हैं वो शायद पॉलिटिक्स की बातें हमसे पूछ रहे हैं, पॉलिटिक्स में तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अगर इन्होंने कोई सवाल ऐसा पॉलिटिक्स से रिलेटेड पूछ लिया तो इंटरव्यू में यही सोचते रह जाते हैं कि मैं सवाल का हाँ में जवाब दूँ या ना में जवाब दूँ, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ हाँ बोलूँ या ना बोलूँ। अगर मैंने हाँ बोल दिया पता नहीं कैसे कैसे सवाल मुझसे करेंगे, और मैं तो इतने डीप में न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूँ, और मुझे ये भी नहीं पता है कि शायद ये पॉलिटिक्स के बारे में पूछेंगे, स्पोर्ट्स के बारे में पूछेंगे, या शायद ये फिल्मों के बारे में पूछेंगे। नहीं 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 मुझे ऐसा लगता है फिल्मों के बारे में तो ये नहीं पूछेंगे, क्योंकि पढ़ाई से रिलेटेड सब कुछ है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है जनरल नॉलेज के बारे में पूछ ले। देखो ये सारे के सारे जो जवाब हैं जहाँ पे आप अटक रहे हो, या तो आप गलत जवाब दे रहे हो या आप जवाब ही नहीं दे पा रहे हो, इस सिचुएशन से बचने के लिए जो आपको सही जवाब देना है वो ये देना है कि हाँ मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। और अगर ऐसा हुआ है कि आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए बहुत जल्दी उस दिन सुबह उठ के आए हैं, जिस वजह से आप सिर्फ और सिर्फ उस दिन न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाए, लेकिन आप पहले से न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तो क्योंकि जाहिर सी बात है कि इतनी सुबह सुबह तो किसी का न्यूज़पेपर नहीं आता है, तो ये भी बता दो इंटरव्यूअर्स को कि मैं न्यूज़पेपर हर दिन पढ़ता हूँ, लेकिन आज क्योंकि मुझे जल्दी निकलना था इंटरव्यू के लिए, यहाँ पहुँचना था समय पे, उस समय तक हमारे यहाँ न्यूज़पेपर वाला नहीं आता है, और इसलिए आज मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाया हूँ। ये बिल्कुल सोचना छोड़ दो कि शायद और शायद पॉलिटिक्स के बारे में पूछेंगे, शायद शायद जनरल नॉलेज के बारे में पूछेंगे, शायद शायद स्पोर्ट्स के बारे में पूछेंगे। नहीं, अगर उनका मन है तो वो किसी बॉलीवुड की गॉसिप के बारे में भी पूछ सकते हैं, अगर वो केस बहुत बड़ा है तो उसके बारे में भी डेप्थ तक पूछ सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी वो सारी की सारी चीज़ें पढ़ी होंगी तो आप एक्चुअली उन्हें फ्यूचर का भी अपडेट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, मैं इंटरव्यू में गई थी, वहाँ मुझसे पूछा गया कि क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ती हैं, मैंने कहा हाँ मैं पढ़ती हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि मुझे यहाँ इंटरव्यू के लिए बहुत जल्दी घर से निकलना था, और इतनी सुबह सुबह हमारे यहाँ न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर देके नहीं जाता है। फिर उनका दूसरा सवाल था कि ठीक है नेस वाडिया और प्रीति जिंटा के बीच में जो एलिगेशंस चल रही हैं उसके बारे में आप क्या जानती हैं। फिर मैंने उन्हें पूरी की पूरी केस हिस्ट्री बता दी कि ऐसा ऐसा हुआ है, और प्रीति जिंटा आजकल जो है वो देश से बाहर है, बट वो बाहर रह के भी इस केस को आगे फाइट कर रही हैं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो सवाल था वो उन दिनों बहुत बड़ी न्यूज़ में था, हर कोई इसी के बारे में लिख रहा था, सुन रहा था, छाप रहा था, तो मैंने कुछ ज़्यादा ही डेप्थ में पढ़ा था, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यूअर्स को ये नहीं बताया कि क्या इशू है, क्या नेस वाडिया ने सेक्चुअली असॉल्ट किया है प्रीति जिंटा को, क्या वो प्रीति जिंटा को अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करते थे, क्या वो सबके सामने उनकी बेइज्जती करते थे, और प्रीति जिंटा को वो जो रिस्पेक्ट या डिग्निटी मिलनी चाहिए थी उनके साथ रहते हुए वो कभी नहीं मिली, वो हमेशा उसमें घुट घुट के जी रही थी। और इसके अलावा जो फ्यूचर में होने वाला था, जो प्रीति जिंटा ने कुछ कुछ इंडिकेशंस दिए थे, मैंने वो भी अपडेट कर दिए। और जब मैंने ये अपडेशन दिया इंटरव्यूअर्स को तो उन्हें बहुत खुशी हुई, उन्हें पता चला कि ये जो लड़की है वो सिर्फ और सिर्फ स्टोरी को नहीं पढ़ती है बल्कि फ्यूचर को भी एनविजन कर लेती है। तो अगर आप इस तरीके के जवाब दोगे तो आपका सिलेक्शन जो है वो कोई नहीं रोक सकता, पक्का है आपका सिलेक्शन। ये कंक्लूजन मत निकालना कि अगर मैंने बोल दिया कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मुझसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, पॉलिटिक्स से रिलेटेड पूछे जाएंगे, या बॉलीवुड से रिलेटेड पूछे जाएंगे। इसका कैच सिर्फ एक ही है कि जो भी उस वक्त बहुत टॉप पे न्यूज में चल रहा है उस इशू को पूरा डेप्थ में पढ़ के जाओ, और अगर आप ऐसा करोगे तो आप इस सवाल का एकदम बेहतर जवाब दे पाओगे। हमेशा याद रखो जिस तरीके का इंटरव्यू है, जिस पोस्ट या डेजिग्नेशन के लिए है, क्या उसमें ये क्वेश्चन एप्ट है, क्या वो हमसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये भी आपको पता होना जरूरी है कि इस तरह के इंटरव्यूज में जो इस पोस्ट से रिलेटेड होते हैं किस किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, और इस तरह के इंटरव्यूज में जो इस तरह के पोस्ट से रिलेटेड होते हैं उसमें किस किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, और किस तरह के जवाब उन्हें एक्सपेक्टेड होते हैं। अगर हमें उस तरीके के जवाब नहीं दिए तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। जितना आपको पता होना चाहिए कि आपका सही जवाब क्या होना चाहिए, उतना ही आपको पता होना चाहिए कि क्या गलत जवाब आपको इंटरव्यू में जाके नहीं देना है। दोनों चीज़ों का बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो चीज़ें आपको नहीं करनी है वो आपको पता होनी चाहिए, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, बट जो चीज़ें आपको करनी है यानी कि सही जवाब जो देना है उसको आपको और ज़्यादा एडवांस लेवल पे प्रिपेयर पे प्रिपेयर ट्रेन पे ट्रेन आपको इन वीडियोज़ को देख के करना है। सही चीज़ को जितना ज़्यादा प्रिपेयर करोगे, जितना ज़्यादा ट्रेन करोगे,
और जो गलत चीज़ें हैं अगर वो आपको पता ही नहीं होगी तो आप उसे कंट्रोल कैसे करोगे। इसलिए मैं आपको हर सवाल का सही और गलत दोनों ही जवाब बता रही हूँ। आगे आने वाली सीरीज में आपको बहुत और भी अच्छे अच्छे सवालों के जवाब मिलेंगे, तो देखते रहो। और अगर डेप्थ में और जानना चाहते हो तो आओ मेरे साथ व्हाट्सएप पे टॉपिक लिख के एक सेशन बुक करो। मेरा फ़ोन नंबर है 9311659252। और अगर आपको यूनिट हो, कोई सेटअप हो, जैसे एनजीओ हो या सरकारी यूनिट हो या प्राइवेट कंपनी हो या मल्टीनेशनल हो या ग्लोबल फर्म हो, तो आप मुझे अगर बुलाना चाहते हैं ऑनलाइन मोड के जरिए अपने एम्प्लॉइज को या मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स या सीईओ को कोई मेंटरशिप देना चाहते हैं, कोई गाइडेंस देना चाहते हैं, कोई ट्रेनिंग सेशन देना चाहते हैं, तो मुझे प्रपोजल भेजिए। मेरा ईमेल एड्रेस है वर्मा.रोली@gmail.com।